निमिज़ियल आफ्टर डेट के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो हमारी दुनिया यहां पे थी, हमारी दुनिया में जो डार्क इन्वेशन दुनिया से जो अटैक होने वाला था ना, वो अटैक लिटरली हो जाता है दूसरी दुनिया से, यानी डार्क वर्ल्ड से ना ढेर सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर यहां पे आने लग जाते हैं। जो देख के मरानी भी कहती है शिट यार, ये मॉन्स्टर यहां पे आने लगे, काम करो भाई, जो हमारी आर्मी है ना, हमारी आर्मी तैयार करो इन मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए, और जो हमारी पूरी सिटी का जो फॉर्मेशन यहां पर है ना, वो फॉर्मेशन भी एक्टिवेट यहां पर कर दो। हाँ तो भाई दोनों काम यहां पर हो जाता है, यानी आर्मी भी तैयार हो जाती है और जो फॉर्मेशन है ना वो फॉर्मेशन भी लग जाता है, और फॉर्मेशन लग जाता है जिस चक्कर में जो भी मॉन्स्टर्स है ना वो फॉर्मेशन के बाहर ही यहाँ पे रहते हैं, लेकिन काफी सारे मॉन्स्टर है ना फॉर्मेशन लगने से पहले ही वो अंदर यहाँ पे आ चुके थे। हाँ तो ये जो मॉन्स्टर्स में से एक मॉन्स्टर ना एक औरत के बीच यहाँ पे पड़ जाता है, वो औरत भी चिल्लाती रह जाती है भाई बचाओ बचाओ कोई मुझे बचाओ, एक बंदा सामने आता है उसको बचा लेता है, तो ये भी कन्फ्यूज भाई ये बंदा कौन है। तो हमारे ये क्यों के अंडर में ढेर सारे बंदे लोग काम करते थे, उन्हीं ढेर सारे बंदों के अंदर ना ये भी था, उसका सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। हाँ तो ये मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था, मॉन्स्टर जोरदार अटैक करता है, वो बेचारा टिक नहीं पाता, बहुत दूर जाके गिरता और चोट वोट लग जाती है। मॉन्स्टर अब उसके पास बढ़ता है पास से उसकी जान निकालने के लिए, वो भी देखता कि मिस्टर ये क्यों मुझसे जितना हो सके मैंने उतनी कोशिश यहाँ पे कर ली, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी बचने वाला नहीं हूँ, ये भगवान मैं तेरे पास यहाँ पे आ रहा हूँ। लेकिन ढेर सारे मॉन्क भी तो यहाँ पे थे ना, एक मॉन्क सामने आता है और बचा लेता है, ये बंदा भी देखता मॉन्क आपने मुझे बचा लिया, मॉन्क कहता है मैं ज़्यादा समय के लिए बचा नहीं पाऊंगा, जल्दी से यहाँ से निकलो, जो मासूम लोग हैं ना उनको भी निकालो। और अगर आपको याद होगा ये दोनों के जो डेमोन लोग हैं ना वो भी हमारे ये क्योंकि सपोर्ट में आ चुके थे, तो डेमोन लोग हैं ना वो भी मिलकर फाइट करते हैं और कहते हैं टेंशन मत लो, हम डेमोन जब तक यहाँ पर है ना हम किसी को कुछ भी होने नहीं देंगे। और जो फॉर्मेशन यहाँ पे थी फॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत यहाँ पे थी, इसलिए जो भी कल्टिवेटर्स यहाँ पे थे ना अपनी कल्टिवेशन एनर्जी दिए जा रहे थे, तो एक कल्टिवेटर यहाँ पे कहते सुनो यार तुमको कुछ भी हो जाए अपनी एनर्जी यहाँ पे बचा के रखनी है और एंड तक एनर्जी यहाँ पे देनी है ताकि जो फॉर्मेशन यहाँ पे मेंटेन रहे, अगर फॉर्मेशन यहाँ पे मेंटेन रहा नहीं रहा हम सबके सब यहाँ पे मारे जाएंगे। तो बाकी बंदे कहते हैं सर लॉर्ड टेंशन मत लीजिए हम पूरी कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन ये जो कल्टिवेटर था उसको ये क्विंग पे गुस्सा आ रहा था कि भाई ये क्विंग का बच्चा वो गया दूसरे दुनिया में कि भाई कुछ करेगा, जिस समय दुनिया बच जाए दुनिया पे मुसीबत आ चुका, ये क्विंग कहाँ पे मरवा रहा है अभी तक उसको सोल्यूशन कहीं को मालूम नहीं चला, अगर वो नहीं आया और फॉर्मेशन यहाँ पे टूट गया ना हम सबके सब मारे जाएंगे। अब आते भाई ये क्विंग की ओर जहाँ पे हमको मालूम है जो सबसे डीप खदान यहाँ पे था ना वो सबसे डीप खदान में गया था और बस अंदर चले जा रहा है उसको कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं देता, ये भी सोचता डीप एरिया तो पक्का कुछ यहाँ पे रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी अचानक से ना इसको बड़ी बुरी फीलिंग आने लग जाती है कि आई डोंट नो क्या, काफी बुरी फीलिंग आ रही है और बहुत ही जोर से चिल्लाने की भी आवाज आती है, तो ये चेक करने जाता है तो सामने एक दरवाजा यहाँ पे था और जैसे दरवाजा था ना तो सिस्टम लेकर आता है कि दरवाजे के पीछे से ना लक एनर्जी यहाँ पे ये हुआ है भाई क्या बोलते हैं डिटेक्ट हुआ है, आप ऑब्जॉर्व यहाँ पे करोगे क्या, ये भी कहते हैं ऑब्जॉर्व यहाँ पे करेंगे, इतना बोल को जो दरवाजा ना दरवाजा यहाँ पे तोड़ देता है, जैसे दरवाजा तोड़ता है हाँ तो ढेर सारी जो लक एनर्जी थी ना वो धीरे 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 ऑब्जॉर्व करने लग जाता है, और तभी एक बहुत ही बड़ा गोल्डन ड्रैगन सामने आता है और आते चिल्लाता है चोर के बच्चे ये मेरी एनर्जी है जो तू यहाँ पे ऑब्जॉर्व किया जा रहा है, मेरी एनर्जी वापस लौटा दे। हमारा मैं कटा कहता बिल्कुल भी ना, अगर तेरे पास हिम्मत यहाँ पर है ना हाँ तो मुझे मार के ले ले। हाँ तो ड्रैगन को भी गुस्सा आ जाता है कि तेरी इतनी हिम्मत या तू मेरे से पंगा यहाँ पे ले रहा है बेटे तू तो गया, इतना बोल के अटैक करने को तैयार था। तभी सिस्टम में लिख कर आता है कि वेल ये सामने जो क्रिएचर यहाँ पर है ना वो भी लक एनर्जी से बना हुआ है, लक से बना हुआ है उसको ऑब्जॉर्व करोगे क्या। हमारा मेकअप अभी कहता है एक सेकंड यार वो भी लक से यहाँ पे बन हुआ तभी तो हम इतना ज्यादा गोल्डन यहाँ पर है, जो गोल्डन कलर है ना वो लक रिप्रेजेंट यहाँ पे करती है, रही बात उसको ऑब्जॉर्व करने का हाँ तो मैं उसको भी ऑब्जॉर्व यहाँ पे करूंगा, तो जो ड्रैगन है ना वो ड्रैगन भी धीरे 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 ऑब्जॉर्व होने लग जाता है, तो ड्रैगन भी यहाँ पे कन्फ्यूज किया रे बाप रे ये मुझे भी ऑब्जॉर्व कर रहा है, एक इंसान के पास इतना औकात यहाँ पे कैसे हो सकता है जो मुझे ऑब्जॉर्व यहाँ पे कर पाए, इसलिए पूछते कि बताओ यार जो हेवन एम्पायर यहाँ पे थे तू हेवन एम्पायर का कोई डिसेंडेड है क्या। जो सुनता मेरा मैं कहता है व्हाट डू यू मीन कि हेवन एम्पायर का डिसेंडेड हूँ, कुछ समझा नहीं। जो सुनता ड्रैगन भी कहता है तू समझे या ना समझे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई तूने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की और जो मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है ना उसको एक ही सजा मिलती है वो सजा है मौत, इतना बोल कर ना वो भी कोई अटैक करने को तैयार यहाँ पे था और अटैक तैयार कर लेता है और आई डोंट नो अटैक करता है या नहीं करता क्योंकि उसके बाद ना वहाँ पे क्या हुआ हमको नहीं दिखाया जाता। जो डायरेक्ट आते हैं हमारी दुनिया में जहाँ पे मॉन्स्टर लोगों ने अटैक कर दिया था, भूकंप यहाँ पे आ रहा था, एक फैमिली यहाँ पे थी जो घर में फंस चुकी थी, बच्चा डर रहा था, माँ कहती है भाई डरो मत यार मैं यहाँ पर हूँ ना यार तुम बहादुर बच्चे हो ना, तो वो भी कहता हाँ मैं बहादुर बच्चा हूँ लेकिन मॉन्स्टर लोग यहाँ पर आ चुके हैं वो हमको मार डालेंगे, तो मम्मी पापा मोटिवेट करते हैं और कहते टेंशन यहाँ पे मत लो यार, याद है जेन डोवेस्ट का सन बुकोंग खुशी हो जाए हम लोग साथ में रहेंगे हम तुम्हारी प्रोटेक्शन भी करेंगे,
बच्चा भी कहता है यामी जान अब तो मुझे भी डर नहीं लग रहा। अब आते बाहर सर जहाँ पे जंग हो रही थी, जहाँ पे क्या बोलते हैं भाई मोस्ट लोग फॉर्मेशन तोड़ के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, अपने जो सोल्जर्स थे ना उन्होंने गन वन यहाँ पे तैयार कर लिया था, नॉट रियली गन यार, वो जो तीर कमान तैयार कर लिया था, अपनी जो महारानी थी वो भी आर्मर वार्मर पहन के आ जाती है, ऑर्डर यहाँ पे देती है भाई लो भी तीर है ना, वो तीर यहाँ पे लो और तीर चला दो, तीर यहाँ पे चला दिया जाता है। मोस्ट लोग को लगती भी है क्योंकि जो तीर ना वो फॉर्मेशन के आर पर जा सकता है लेकिन मोस्टर फॉर्मेशन के आर पर अंदर नहीं आ सकते, तीर जैसे लगती है ना तो मोस्टर लोगों को कुछ खास घंटा असर नहीं होता। तो महारानी भी नोटिस करती है, अरे बाप रे यार जो हमारे तीर कमान है ना हमारे तीर कमान का बिल्कुल भी असर यहाँ पे नहीं हो रहा है, शिट यार हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चलता रहे ना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे हर मत मान यार हर मत मान, अगर मिस्टर ये क्यों यहाँ पर होते ना कुछ ना कुछ करके यहाँ पे बचा लेते, तो इमेजिन यहाँ पे करो कि अगर मिस्टर ये क्यों यहाँ पर होते वो क्या यहाँ पे करते। उतने में पीछे से खबर आते जो हमारा साउथर्न साइड है ना साउथर्न साइड फॉर्मेशन में क्रैक यहाँ पर हो चुका है और क्रैक बहुत जल्दी टूट जाएगा, वो सीरियस लोग यहाँ पर आ जाएंगे। महारानी भी कहती क्या वहाँ पर टूट भी गया, ये लोग नोटिस करते हाँ क्योंकि भाई जो फॉर्मेशन है ना वो हमारे जो डायनेस्टी का अलग पर डिपेंड है और हमारे ये क्यों उनके साथ कनेक्ट हो चुके, अगर ये क्यों रहते हैं वो फॉर्मेशन एक्टिवेट करते ना तो फॉर्मेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहता, लेकिन ये क्यों हमारी दुनिया में है ही नहीं जिसके चक्कर में फॉर्मेशन नॉर्मल के मुकाबले 50% कमजोर यहाँ पर है। हमारी महारानी भी देखते शिट यार एक काम करो ढेर सारी आर्मी के मेंबर्स ने मेरे साथ यहाँ पे आओ, मैं खुद यहाँ पे साउथर्न साइड यहाँ पे जाऊंगी, जो भी मॉन्स्टर यहाँ पे क्षेत्र से आ रहे ना या जो क्रैक यहाँ पर है वो क्रैक को यहाँ पे रोकूंगी। ये लोग कहते हैं एक सर महाराज आप खुद यहाँ पे जाना चाहते हो, देख लो यार डेंजर हो सकता है। ये भी कहता भाई मेरी पब्लिक यहाँ पर डेंजर में, मैं ऐसे कैसे आराम से बैठा रहूँ तो मुझे भी यहाँ पे जाना ही पड़ेगा। हाँ तो ये सभी कहते हैं शीट यार और कोई रास्ता नहीं है क्या, जो गोंग नाम का बंदा यहाँ पे था ना जिसको भी हमने कई बार यहाँ पे देखा जो कि अपने टाइम पे बड़ा कमाल का कल्टीवेटर यहाँ पे था लेकिन इसकी मास्टर ने प्लस इसकी सीनियर ने धोखा यहाँ पे दे दिया था। हाँ तो ये भी सामने से आता कहते सुनो यार इंपायर सिटी में जाओ, इंपायर सिटी में मैंने एक फॉर्मेशन यहाँ पे छोटा सा बना लिया है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, उस पर कितने मोस्टर को हमला करे वो दो चार दिन आराम से यहाँ पे टिक जाएगा, सारे मासूम लोग को वहाँ पे लेकर जाओ। ये लोग कहते हैं अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हमारे जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना अभी मासूम लोग की जान। तो जो भी मासूम लोग यहाँ पे थे ना सबको इंपायर सिटी के अंदर यहाँ पे टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, तो एक एक करके सब लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं, मतलब सब लोग वहाँ पे चल जाते हैं, जैसे सब लोग जाते ना आओ जाकर जो गोंग ना अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है सारे बंदों को फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे डाल लेता है, जिसके अंदर भाई अपना ये शुआ नाम का जो था भाई हमारे मेकेट का सपोर्टर वो और साथ ही महारानी वगैरह भी थे, तो लोग कहते भाई ये फॉर्मेशन कैसा है, तो गोंग यहाँ पे बताता है ये जो फॉर्मेशन यहाँ पर ना इमोर्टल दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन यहाँ पर है, अंदर यहाँ पे रहो कोई दिक्कत नहीं हो काफी दिनों तक। तो ये क्यूएन कहता है कि हाँ लेकिन भाई तुम तो बाहर यहाँ पर हो ना यार, तो वो भी कहता फोर्स मुझे बाहर रहना पड़ेगा क्योंकि बाहर सारे मॉन्स्टर यहाँ पर है, मॉन्स्टर को यहाँ पर रोकना पड़ेगा ताकि ये क्यों यहाँ पे बहुत ही जल्दी आ जाए और जैसे हुआ है ना हम मिलकर कुछ यहाँ पे करो, तो समय अंदर आओ मैं चला रुकने के लिए। तो आते बाहर सारे जो मेन फॉर्मेशन यहाँ पे था जिसपे क्रैक वगैरह भी आ चुका था, हाँ तो क्रैक टोड़ कर ना फाइनली जो मॉन्स्टर वो अंदर घुस जाते हैं, तो जो हमारा गोंग एक इमॉर्टल कल्टीवेटर यहाँ पर है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर यहाँ पर है, तो वो लिटरली फाइट करने लग जाता है और फाइट करते 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 ढेर सारे मॉन्स्टरों को मार डालता है, जो अंदर से पब्लिक भी देखती है और खुश क्यों माई गोड एक इमॉर्टल कल्टीवेटर कितने कूल यहाँ पर है, हमारी महारानी है वो भी खुश हाँ यार गोंग तो बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है और ये भी एक क्योंकि सपोर्टर है, इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्टर उनके पास रहेंगे मेरे को भी आइडिया नहीं था। लेकिन लड़ाई करते 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 जो गोंग है ना गोंग भी थक चुका था क्योंकि आधा जो मेरा पावर है ना फॉर्मेशन एक्टिवेट करने में चला गया और बाकी आधा पावर ना मॉन्स्टर के साथ लड़ते लड़ते जा पा मतलब खत्म हो रहा है, आई डोंट नो मैं कब तक और यहाँ पे लड़ पाऊंगा। उतने में फॉर्मेशन में बहुत बड़ा छेद यहाँ पे होता है और देख सकते भाई बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाता है, जो देखकर गोंग भी ऐसा डर जाता है और जैसे डरता है चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखते भाई अपना ये क्यों का काम पूरा होता है या नहीं होता और कब आता है और आता है तो भाई बचा पाता या फिर नहीं बचा पाता, मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।